हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एड इन्फो टीवी। मैं हूं मिस्टर सुरा। स्वागत है आपके एंटरटेनमेंट लैब के एक नए एपिसोड में। आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं एक नया गाना जो कि अभी जस्ट आज ही के दिन में यार आया है। और इस गाने के जो सिंगर है वो है जुबिन नौटियाल, जो कि सबके फेवरेट है और मैं तो भाई डाई हार्ट फैन हूँ। अब यार झूठ लग रहा होगा, नहीं ऐसा नहीं है, सच कह रहा हूँ। देखो यार, टी सीरीज के ऊपर में कोई भी जब गाना आता है ना तो उसको देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि भाई ये कोई ना कोई रीमेक ही होता है। लेकिन अब गाली देना बंद कर चुका हूँ, क्योंकि अब जो रीमेक आ रहे हैं उस रीमेक के जो सिंगर रखे जाते हैं वो होते हैं जुबिन नौटियाल, जो कि यार सीरियसली डैम गुड होते हैं। चलो यार, इसी वीडियो के बारे में बात करूंगा कि एग्जैक्टली इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो आपके दिल और दिमाग दोनों को ज्यादा हिट कर जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और हाँ, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो बात यह है कि इस कहानी के अंदर में दो टूटे हुए दिल आपको देखने को मिलेंगे, एक जो के है हिमांशु, दूसरे जो है पारस छाबड़ा की गर्लफ्रेंड। व्हाट्स द नेम मैन, याद नहीं आ रहा है, नाम बता दो यार कमेंट सेक्शन पे। मैं सच्ची में भूल गया हूं, मैंने रिसर्च भी किया था लेकिन मुझे याद फिर भी नहीं है नाम क्या था, भूल गया मैं। तो ये तो है दो अलग अलग टूटे हुए दिल, क्योंकि हिमांशु जो है एक टाइम पे नेहा कक्कड़ के साथ में इन रिलेशन थे और उनका जो गाना था ओ हम सफर दैट वाज फैबुलस। और उसके बाद से पारस छाबड़ा की जो गर्लफ्रेंड थी वो पारस छाबड़ा का बिग बॉस में होने की वजह से काफी ज्यादा मतलब लैमलाइट पे आई थी। और वैसे भी इन्होंने बहुत सारे सीरीज भी किए हैं, बहुत सारे सीरियल्स में भी देखी गई है, सो शी इज नॉट अ वंडरफुल अस। पर हाँ, जो भी इस गाने के अंदर में देखने को मिलेगा वो एक वो कि हिमांशु है जो कि एक अलग अवतार में देखे जा रहे हैं। और इसी ऑफिशियल चैनल के ऊपर में जो है इन्होंने नेहा कक्कड़ के साथ में जो है गाना भी गाया था और पता नहीं उनका रिलेशनशिप फिर अचानक से टूट गया। अब इस कहानी के अंदर में जो भी चीज दिखाई गई है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई किसी को टॉन्ट मार रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते द स्टार, द बिगेस्ट स्टार, द सिंगिंग सेंसेशन, और आजकल जिस तरह से वीडियो में अपने परफॉर्मेंस दे रहे हैं अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये एक्टर भी बन जाएंगे। हाँ, मैंने इनको एक्टिंग करते हुए देखा है वो भाई रागिनी MMS 2 में, जिसमें वो मतलब बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्टिंग कर रहे थे। ओके, ठीक है, पर बॉलीवुड किड्स जो थे उनसे तो बहुत ही ज्यादा बेटर एक्टिंग किया था और अभी दिन ब दिन इनकी एक्टिंग बहुत ही बेटर होती जा रही है। तो चलो यार, बात करते हैं इस गाने के एल्बम में जो कहानी दिखाई गई, क्या वो कहानी समझ में आया आपको? दूसरा सवाल कि ये जो गाना है ये कौन से गाने का रीमेक है? देखो, गाना वही सेम है, मैं जिस दिन भुला दूं भाई, ये गाना जो है बहुत ही पुराना गाना है और ये गाने को जो है उतना ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिला था। लेकिन मेरे और आपके जैसे प्यार में मारे, प्यार का बुखार चढ़े हुए लोग और दिल टूटे हुए लोग, या फिर हर वक्त जो है अपने पार्टनर से प्रॉमिस करते हुए लोग, ऐसे लोगों को ये गाना बहुत ही ज्यादा प्यारा था। वैसे एक गाना और है जो कि लोग ज्यादा लाइमलाइट पे नहीं लेकर आए, वो शाहरुख खान का गाना है जिसमें जो है उनकी आवाज बिल्कुल मैच नहीं होती सिंगर से। इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आंखें, ये गाना काफी ज्यादा प्यारा है, ट्रस्ट मी, एक बार सुन करके देखो, आप बार बार सुनोगे। मैं जिस दिन भुला दूं, ये गाना जो है जुबिन नौटियाल की आवाज में एकदम फाड़ लग रही है और ऐसा लग रहा है कि गाने को जो एक नया जान, एक नई रूह डाली गई है। और नो डाउट यार, गाना को जब आप सुनने बैठोगे तो मोर देन 10 times मिनिमम तो सुन ही लोगे। और फाइनली लोगों का जो है कमेंट सेक्शन पे ये भी कहना था कि अभी जो है हम लोगों ने गाना सुना था कौन सा, बूटी शेक, और उस गाने में जो दर्द मिला था उस गाने का इलाज ये गाना है, ट्रस्ट मी ऐसा है। अब बात करते हैं कहानी की। कहानी में यह दिखाया जाता है कि जुबिन नौटियाल जो है एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है जो कि फिल्मों को प्रोड्यूस करते हैं और नए नए चेहरे को जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं ऑडियंस से। और वो जाते हैं ऐसे किसी जगह पे जहां पे लोग उनको घेर लेते हैं, प्रेस वाले उनसे सवाल करते रहते हैं और उनकी नजर पड़ती है इस गाने के हीरोइन पे, यानी हिमांशु की जो गर्लफ्रेंड बनी हुई दिखती है उन पे नजर पड़ती है। और वो सीधा उनको अपने पास बुलाते हैं, उनको अपने ऑफिस का कार्ड देते हैं और उनको अपने ऑफिस में बुलाते हैं। कहानी जब आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि भाई हिमांशु जो है उस लड़की को बहुत ही प्यार से पटा रहा होता है और पट भी जाती है। पटने के बाद में सपना ये रहता है कि एक टाइम के बाद जो है हम दोनों एक बड़े से पोस्टर में देखे जाएंगे और लोग हमारी जोड़ी को देख करके बहुत सारा प्यार देंगे। पर होता यह है कि जुबिन नौटियाल जो कि बहुत ही बड़े स्टार प्रोड्यूसर है, वो भाई सिर्फ लड़की को ले आते हैं और उसे जो है स्टार बना देते हैं। पर स्टार बनने के बाद लड़की जो है अपना एक काम करती है कि जो हिमांशु हमेशा कहता रहता है कि भाई एक दिन आएगा जब मैं पर्दे पे दिखूंगा, तो भाई उसे भी एज अ हीरो लिया जाता है और फिल्म का नाम रखा जाता है ख्वाब। पर यह पूरी स्टोरी की बीच में एंड में एग्जैक्टली क्या दिखाया जाता है? एंड में दिखाया जाता है कि जुबिन नौटियाल जो है उस लड़की से शादी कर लेते हैं, उसे जो अपना पार्टनर बना लेते हैं और वहीं पे हिमांशु जो है सिर्फ एक हीरो बन के रह जाता है। ये कहानी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भाई मेरा नाम जोकर से इंस्पायर है, या फिर कुछ और बोल लो, जैसे कि हर बॉलीवुड स्टोरी में होती है जब भी एक लेफ्ट ट्रायंगल बनता है और
कभी कभी लगता है कि ये मेरी स्टोरी है। अब सोचने का काम आपका है कि मैं वो जुबिन नौटियाल हूँ या हिमांशु हूँ। बाय द वे आई एम नॉट हिमांशु। तो भाई वो अपने पैसे के दम पे जो है शादी कर लेते हैं और यहाँ पे हिमांशु जो है रह जाता है। पर वहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि वो जुबिन नौटियाल के असिस्टेंट के साथ में खड़ा है और वहाँ का वो शॉट बहुत ही डिफरेंटली दिखाया जाता है। एक आखिरी का शॉट जो है वो सवाल ये छोड़ता है कि हिमांशु का आखिरी वाला शॉट में क्या दिखाया जाता है कि जुबिन नौटियाल आते हैं, उसको कार्ड देते हैं और वो एक्सेप्ट करता और चल देता है। भाई इससे यही समझ में आता है कि उसको समझ में आ चुका था कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो जा चुकी है और अभी भलाई इसी में है कि भाई मैं अपना सपना जो हीरो बनने का है वो तो कम से कम पूरा कर लूँ। आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन से आप सेटिस्फाई हुए होंगे। अगर नहीं हुए तो आपका क्या मानना है, आपको क्या लगा था स्टोरी देख करके प्लीज यार कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। बाय द वे नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूँ अजमत हुसैन के बारे में, बहुत ही तगड़ा सा गाना लाया है उसके ऊपर भी लेकर के आऊंगा एग्जैक्टली क्या है और उनका चैनल इतना डाउन क्यों है। मैं उनके चैनल का लिंक के साथ में अगले वीडियो में हाजिर हो रहा हूँ। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, साइन एंड अस्ता ला विस्ता।